नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में एक सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे शरद पवार ने उनके साथ डबल गेम किया और उनकी सरकार को 80 घंटे के अंदर गिरा दिया। फडणवीस ने बताया कि खुद शरद पवार ने पहले बीजेपी और एनसीपी की सरकार बनाने का ग्रीन सिग्नल दिया था और एनसीपी की ओर से सरकार बनाने की कमान अजीत पवार के हाथों दी थी। सरकार बनाने का पूरा मोडस ऑपरेंडी उन्होंने ही तय किया था और आखिरी वक्त में अपना हाथ पीछे खींच लिया। फडणवीस की माने तो शरद पवार ने ये सब बीजेपी और उनकी किरकिरी कराने के लिए किया था। इस खुलासे के बाद एक बार फिर बहस शुरू हो गई है कि आखिर शरद पवार की इस पूरी राजनीतिक चाल के पीछे क्या मकसद था और क्यों शरद पवार ने सब कुछ खुद तय करने के बाद हाथ खींच लिया। ये तमाम सवाल तो हैं ही, लेकिन आज महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर कैसी है ये भी समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, लेकिन जो दिख रहा है वैसा है नहीं। सत्ता और विपक्ष में कुछ राजनेता ऐसे हैं जो विद्रोह के मूड में हैं। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली और इस सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिला देवेंद्र फडणवीस को। मन मारकर ही सही, लेकिन देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। फडणवीस अक्टूबर 2019 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। इस चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने से मना कर दिया। फिर अचानक ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। 23 नवंबर की सुबह जब लोगों ने टेलीविजन खोला तो मालूम चला कि सुबह 8 बजे देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के पद की शपथ ले ली है। हालांकि सरकार 80 घंटे भी नहीं चल पाई और 26 नवंबर को फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अजीत पवार ने शपथ ली और 3 दिन बाद एनसीपी ने फडणवीस के सीएम बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया? इस बात का खुलासा फडणवीस ने एक निजी टेलीविजन को दिए अपने इंटरव्यू में किया है। फडणवीस के मुताबिक 2019 में चुनाव के बाद जब शिवसेना ने बीजेपी के साथ सरकार बनाने से मना कर दिया तो उन्होंने एनसीपी से संपर्क किया। एनसीपी के मुखिया शरद पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस की मीटिंग हुई और इसके बाद तय हुआ कि महाराष्ट्र में बीजेपी एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। मीटिंग में ये भी तय हुआ कि ये सरकार कैसे बनाई जाएगी, कौन कौन और इस गठबंधन में शामिल हो सकता है। पूरा मोडस ऑपरेंडी तय किया गया। एनसीपी की ओर से शरद पवार ने सरकार बनाने की जिम्मेदारी अपने भतीजे अजीत पवार को दी थी, जबकि बीजेपी की ओर से कमान संभाली थी देवेंद्र फडणवीस ने। सब कुछ तय हो चुका था और शपथ लेने की तारीख भी तय हो गई थी। तारीख थी 23 नवंबर की। सरकार बनाने की तैयारी चल रही थी कि अचानक शपथ लेने के 3-4 दिन पहले ही शरद पवार ने इस पूरे गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया। किसी को नहीं मालूम कि शरद पवार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन माना यह जाता है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने की वजह से एनसीपी को अपना वोट बैंक खिसकने का डर था। जब ये बात अजीत पवार को पता चली तो अजीत पवार के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अजीत पवार लगातार देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में थे और उन्हें लग रहा था कि एक बार सरकार बनने के बाद शरद पवार भी इस पर राजी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 23 नवंबर को जब अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली तो शरद पवार ने बयान दिया कि ये उनकी मर्जी से नहीं किया गया है और पूरा ठीकरा अजीत पवार के सर फोड़ दिया गया। अजीत पवार ने भी अपने कई मोहरे सेट किए हुए थे, लेकिन एनसीपी में हर कोई जानता है कि शरद पवार की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में अजीत पवार को पार्टी के विधायकों का साथ नहीं मिला। अब अजीत पवार को लगा कि उनकी बेहतरी इस बात में ही है कि वो वापस एनसीपी में लौट जाएं। अजीत पवार ने किया भी ऐसा ही और बताया कि निजी वजहों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि ये बात साफ थी कि अजीत को किसी का साथ नहीं मिला और उन्हें मजबूरी में इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन एनसीपी और बीजेपी की राजनीति यही नहीं खत्म होती। जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़कर उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराया था तो मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा था। उद्धव ने मांग की थी कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को उनके पद से डिस्क्वालिफाई किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के पद से पहले इस्तीफा दिया था। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल दे सकती थी।
उस वक्त बीजेपी को लग रहा था कि अगर एकनाथ शिंदे गुट के विधायक डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं तो एक बार फिर सरकार गिरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में एक बार फिर एनसीपी से संपर्क साधा गया था। इस बार भी बीजेपी ने प्लान बी बनाया था। प्लान बी यही था कि अगर विधायक डिस्क्वालिफाई होते हैं तो एनसीपी को सरकार में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई। अब यहाँ पर एक पेच और भी है। पेच है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का। एक तरफ तो है देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच मतभेद की बातें सामने आती रहती हैं। साल 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और एकनाथ शिंदे गुट से पहले ही आवाजें आनी शुरू हो गईं कि अगले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा एकनाथ शिंदे ही होंगे। ऐसे में फडणवीस को भी अपनी राजनीति साधनी है। वो महाराष्ट्र में नए साथियों की तलाश में लगे हुए हैं। एक उम्मीद तो उन्हें अजीत पवार की शक्ल में भी नजर आ रही है, क्योंकि अजीत पवार की भी एनसीपी में हालत बहुत अच्छी नहीं है। शरद पवार अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और उन्होंने अपनी जगह अपनी बेटी सुप्रिया सुले को जगह दी है। जब शरद पवार के अध्यक्ष पद से हटने की हलचल तेज हो रही थी, उस दौरान लगे पोस्टर्स में से अजीत पवार गायब थे और सुप्रिया सुले को सभी पोस्टर्स में जगह दी गई थी। अजीत पवार सुप्रिया सुले से पहले राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में अगर एनसीपी की कमान सुप्रिया के हाथ आ गई है तो अजीत भी अपनी मंजिल की तलाश में लगे हुए हैं। अजीत पवार जमीनी नेता हैं और उनकी महाराष्ट्र में पकड़ भी है। उनको लगता है कि शरद पवार के असली उत्तराधिकारी वो हैं, ना कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले। वो एक बार तो शरद पवार के खिलाफ जाकर सरकार बनाने की कोशिश कर चुके हैं। दूसरा धक्का अजीत पवार को इस बात का भी लगा कि सुप्रिया सुले के साथ ही शरद पवार ने अपने भरोसेमंद प्रफुल्ल पटेल को भी पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। ये सब होने के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र विधानसभा से नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन यहाँ पर भी अजीत पवार की नहीं चली और शरद पवार ने इस्तीफा लेने से ये कहकर इनकार कर दिया कि एक आदमी फैसला नहीं कर सकता कि वो किस पद पर रहना चाहता है या नहीं। इस बारे में जो फैसला करेगी पार्टी करेगी। अजीत पवार के करीबी लोग मानते हैं कि अजीत पवार अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके ये काम करने का सही वक्त अभी नहीं है। साल 2024 में चुनावों से पहले अजीत पवार एनसीपी और शरद पवार को झटका दे सकते हैं। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि अजीत पवार एनसीपी छोड़ते हैं या नहीं, लेकिन लगता ऐसा है कि अगर शरद पवार ने अजीत पवार को पार्टी में वो सम्मान नहीं दिया जो बेटी सुप्रिया को मिला है, तो ऐसे में अजीत पवार एनसीपी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस भी चाहते हैं कि वो ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बने, जो एकनाथ शिंदे के होते हुए होना मुश्किल है। फडणवीस भी चाहते हैं कि अगर अजीत उनके साथ आ जाएं तो वो सीएम और डिप्टी सीएम के पद पर आराम से रह सकते हैं और दोनों के हित भी आपस में नहीं टकराएंगे। इस तरह का गणित दोनों ओर से लगाया जा रहा है, चाहे वो अजीत पवार हो या देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार को भी मालूम है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी एक बार फिर बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार राजनीतिक संकट इतने लंबे वक्त तक चला। दूसरी ओर बीच बीच में महाराष्ट्र में कई सांप्रदायिक मुद्दे सामने आते रहते हैं, चाहे वो किसी जिले का नाम बदलना हो या फिर औरंगजेब को लेकर हो रही गिरफ्तारियां। ये बात तय है कि शिवसेना के टूटने के बाद, शरद पवार के अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद और सुप्रिया सुले के अध्यक्ष बनने के बाद, इस बार महाराष्ट्र में विधानसभा बेहद दिलचस्प होने वाली है। शिवसेना के टूटने के बाद उसमें वो दमखम नहीं रह गया जो पहले था। एकनाथ शिंदे का वर्चस्व पूरे महाराष्ट्र में उस तरह से नहीं है जैसे कि बीजेपी का है। एनसीपी के वोट बैंक का अपना अलग इलाका है, लेकिन क्या एनसीपी अजीत पवार को मनाने में कामयाब हो पाएगी ताकि उसके वोट बैंक में सेंध ना लगे। ऐसे में 2024 लोकसभा और अक्टूबर 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आज के इस शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।